हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है और हमें इस क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट जो है क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस क्या कैसे लिख सकते हैं, ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स का क्यूब, तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं, ए एन एक्स की पावर एन के बराबर लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। एफ एक्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ए वन होता है। ठीक है, तो ए वन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किसके इक्वल आएगा, ए वन प्लस क्या हो जाएगा, टू ए टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, थ्री ए थ्री एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वन क्या हो जाएगा, एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए वन का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश जीरो के इक्वल आ जाएगा। ए वन जो कि क्या है, एक्स का कॉफिशियंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एफ डैश जीरो निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके साथ साथ एक्स इक्वल टू जीरो भी रखते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले पहली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकंड थर्ड रो को एज इट इज रहने देंगे और फिर क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 23 और यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो 111 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 111। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर 111, यहाँ पर आएगा 31, यहाँ 32, यहाँ 33 और यहाँ पर आ जाएगा 111। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज रहने देंगे और थर्ड रो को क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू जीरो रखते जाएंगे तो 41, 42 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। दिस इम्प्लाइज एफ डैश जीरो का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे देखिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स इन एफ एक्स जो है इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जीरो इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।